कहा जाता है कि हर प्रेम करने वालों को हीर रांझे की तरह प्रसिद्धि नहीं मिलती, हर मुसाफिर को मंजिल नहीं मिलती, हर दुआ करने वालों को दुआ कबूल नहीं होती और हर साफ दिल वालों को जिंदगी नहीं मिलती। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का स्वागत है इस परिवार झारखंड वॉरियर में। आज हम बात करेंगे उस अधूरे प्रेम कहानी की जो आज भी झारखंड के नेतरहाट के मनोरम वादियों में गुम हो गई है। आज हम बात करेंगे उस प्रेम कहानी की जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है और बुजुर्गों के द्वारा आज भी सुनाया जाता है। एक ऐसी प्रेम कथा जो झारखंड के एक खूबसूरत से वादियों में गुम सी हो गई है। एक ऐसी प्रेम कथा जो एक अंग्रेजी हुकूमत के समय मंगोलिया नामक लड़की और एक चारवाहे की प्रेम कहानी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लातेहार, झारखंड का एक प्रसिद्ध जिला जहां पर एक स्थान है नेतरहाट। इसे झारखंड की रानी भी कहा जाता है। इसके जर्रे जर्रे में खुशबू है मंगोलिया और चारवाहे की प्रेम कथा की। एक ऐसी प्रेम कथा जो अधूरी रह गई है, जिसे प्रेम के दुश्मनों ने पूरा होने नहीं दिया। आप नेतरहाट के हसीन वादियां, पहाड़ों, बड़े बड़े पेड़ों, घने जंगलों और कई चीजों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जरूर जाना होगा। लेकिन आज हम आपको उस अधूरी प्रेम कहानी, इनकम्प्लीट लव स्टोरी ऑफ नेतरहाट को बताने जा रहे हैं। यह कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है, जैसा कि वहां के स्थानीय लोगों ने इसके बारे में बताया भी है। इस नेतरहाट की वादियों में बहुत लोग आते हैं और खूबसूरत नजारा का आनंद लेते हैं। लेकिन यह कहानी है बहुत साल पहले की, जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेज हुकूमत यहां पर हो रहे थे। और इसी समय अंग्रेज अफसर ऐसा भी था जो पहले नेतरहाट घूमने के लिए आया था, पर शायद ही उसे यह अंदाजा भी नहीं लगा होगा कि यहाँ की वादियाँ सुकून भरा और पहाड़ी, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाट और आवाजें इतने मनोहर होंगे। जब वह अंग्रेज ऑफिसर यहाँ पर आता है तो इन वादियों में वो खो जाता है और कुछ दिन रहने का वह प्लान भी कर लेता है। इतना ही नहीं, नेतरहाट की वादियाँ अंग्रेजों के अनुकूल थे। आज हम उसी अंग्रेज अफसर की बेटी मंगोलिया और एक चारवाहे की प्रेम कहानी बता रहे हैं। उस समय एक चारवाहा रहा करता था इस नेतरहाट के वादियों में, जो अपने बांसुरी पर इंसान ही नहीं बल्कि पशुओं को भी झूमने और थिरकने पर मजबूर कर देता था। वह रोजाना अपने पशुओं को लेकर के नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाता था। वहीं बैठकर अपनी बांसुरी से मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन निकालना शुरू कर देता था। यह सूर्यास्त स्थल वही स्थान है झारखंड का जहां पर सूर्य को उगते और सूर्य को अस्त होते हुए बहुत करीब से आप देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अफसर भी अपना पूरा परिवार के साथ नेतरहाट रहने लगा था। हर रोज मंगोलिया को चारवाहा के बांसुरी के संगीत सुनाई देने लगी। एक दिन मंगोलिया उस स्थान पर पहुंच गई जहां बैठ करके चारवाहा अपने बांसुरी बजाया करता था। अब कहानी ये हो जाती है कि रोज मंगोलिया चारवाहे की बांसुरी की धुन सुनने के लिए नेतरहाट के सूर्यास्त स्थल है वहां पहुंच जाती है। यह सिलसिला धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लेता है। अब दोनों साथ बैठ करके बांसुरी के मधुर धुन पर खो जाते हैं। धीरे धीरे मंगोलिया और चारवाहे की प्रेम गाथा परवान चढ़ने लगता है और रोजाना यह दोनों एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, जिसकी खबर उसके पिता को लग जाती है। कहा जाता है कि प्रेम में अद्भुत शक्ति है, प्रेम के बिना यह संसार अधूरा है। प्यार का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है।
प्यार में शाहजहां ने अपने बेगम के लिए मुमताज की याद में विश्व के सातवें अजूबे ताजमहल को निर्माण करवाया। वहीं आपने और भी कई कहानियां सुनी होंगी जो कि अद्भुत है, प्रेम की कथा। नेत्रहाट के स्थानीय लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि चारवाहा रोजाना अपने पशुओं को लेकर के नेत्रहाट के सनसेट पॉइंट पर पहुंचकर बैठ जाता था, अपना बांसुरी लेकर के मधुर स्वर में बजाना शुरू कर देता था और उसी से मंत्रमुग्ध होकर के जो अंग्रेज ऑफिसर की बेटी है उसके प्यार में खींची चली आती है और प्यार जो है वो पनपने लगता है। लेकिन इसकी नजर लग जाती है उसके पिता को। मंगोलिया के पिता जो अंग्रेज अफसर होता है उसको ये खबर पता चल जाती है और इसी के बीच कुछ अनसुनी बातें भी हो जाती हैं। क्या होती है आगे सुनते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि मंगोलिया और जो चारवाहा था उनका प्रेम इस कदर बढ़ गया था कि वो एक दूसरे के बिना प्रतिदिन मिले बिना नहीं रह पाते थे। मंगोलिया प्रतिदिन चारवाहे से मिलने के लिए अपने घर से चुपचाप निकल जाती थी, सनसेट पॉइंट पर जाकर के चारवाहा के साथ बैठ करके मधुर बांसुरी का आनंद उठाती थी। जब इस बात की जानकारी उसके पिता को लगता है तो वो बहुत गुस्से से लाल हो जाता है और वो चारवाहा से कहता है कि उसकी बेटी मंगोलिया से वो नहीं मिले। पर प्रेम का रिश्ता, प्रेम का संबंध इतना आगे बढ़ चुका था कि चारवाहा ने अंग्रेज की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज गुस्सा हो गए और उसने अपने जवानों से कह करके उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। अर्थात वो अंग्रेज ऑफिसर उस मोहब्बत करने वाले चारवाहे की मृत्यु करा दी, हत्या करा दी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ बुजुर्ग लोग जब ये स्टोरी बताते हैं तो वो रो पड़ते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। आगे क्या होता है कि मौत के बाद भी मंगोलिया अपने प्रेमी से मिलने के लिए उस सूर्यास्त स्थल पर हमेशा जाया करती थी, लेकिन वो टीली उसका वेट करती थी, प्रतीक्षा करती थी। बहुत दिन बीत जाने के बाद चारवाहा को उस स्थान पर नहीं दिखने पर वो चारवाहा की खोजबीन शुरू कर देती है। तब जाकर के उसे पता चलता है कि उसके पिता ने ही चारवाहा को मरवा दिया। इसके बाद क्या, इसके बाद मंगोलिया एकदम सुन्न हो गई, स्तंभ हो गई। उसने भी यह निश्चय कर लिया कि वह भी जीवित नहीं रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मंगोलिया ने अपने चहेते घोड़े पर सवार होकर के नेत्रहाट की जो सनसेट पॉइंट है, जो सूर्यास्त स्थल है, वहां के हजारों फीट खाई में कूद करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और इसी के साथ मंगोलिया की प्रेम कहानी जो है वो अधूरी रह गई और यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। यहीं तक ये स्टोरी था। अर्थात झारखंड के उस स्थान से यह अनसुनी कहानी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी है उस प्रेम करने वालों की, ये कहानी है उस कथा की जो अधूरी रह गई, उस जमाने की जो लोग आज भी अपने आने वाले पीढ़ियों को सुनाते हैं उस अनसुनी कहानी की, कि किस तरीके से एक चारवाहे को और एक अंग्रेज ऑफिसर की बेटी को प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है और इन वादियों में उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को ये सलाह ज़रूर दूंगा कि आप एक बार झारखंड के इस स्थान नेत्रहाट को घूमने के लिए ज़रूर आए। यहाँ पर आपको सिर्फ वादियाँ ही नहीं, यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोग आपको बहुत पसंद आएंगे। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो झारखंड की लातेहार के नेत्रहाट से होंगे या लातेहार से ही होंगे, तो एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन आप सब लातेहार से हैं। बाकी आप सबको आज के लिए इतना ही रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपके साथ
एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।